वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का दिन जा रहा होगा शो। सो गाइस, आज का व्लॉग जो है ना वो होने वाला है, मतलब होने के वाला है, वो सबसे बेस्ट व्लॉग होने वाला है। मैं जा रही हूँ दिल्ली के लालबाग के राजा के दर्शन करने। दिल्ली के लालबाग के राजा, मतलब मुंबई में थे लालबाग के राजा पर अब दिल्ली में भी है, तो अब हम वहाँ के दर्शन करने जा रहे हैं। तो अब ऑफकोर्स मैं जा रही हूँ, तो आप लोग भी साथ जाओगे, मेरी फैमिली क्योंकि आप लोग, तो फटाफट से चलते हैं और दर्शन करते हैं। शाम के अभी बज रहे हैं 5:30 और 6:30 तक हम पहुँचेंगे। मेरे यहाँ से थोड़ा सा ट्रैफिक मिल सकता है, तो फिर वो देखते हैं जैसे भी होगा अकॉर्डिंग टू दैट। तो सारे आपको लाइक वहाँ जाके दिखाते हैं क्या क्या है, मतलब बहुत अच्छा सा उन्होंने अरेंजमेंट करा है मैंने सुना है। और मैं लास्ट टाइम भी गई थी कोविड से पहले, पर अब कोविड के बाद है तो अब देखते हैं इस बार क्या चेंजेस हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, तो बने रहो मेरे साथ। और आज का लुक मेरा कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दो, अगर नहीं भी अच्छा लग रहा तो भी, और अगर लग रहा है तो भी। सो बिना किसी देर गाइस मैं निकल गई हूँ और गाड़ी भी आ गई है, अब हम चलते हैं। सो गाइस अब हम निकल चुके हैं, आप देखते हैं लेट्स सी कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। जो भी टाइम लगेगा विल शो यू। भूख भी लग रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है, बट आई विल नॉट ईट। सीधे जाने, सीधे चलते हैं, सेम ही बात पड़ेगी। सो फैमिली में पहुंच गई हूँ, आप देख सकते हो ये सामने जो है लिखा है लालबाग का राजा, और यहाँ से एंट्री है और विल शो यू अंदर क्या है। तो चलो चलते हैं अंदर। एंट्री करते हैं पहले। सो गाइस एंट्री करते ही मुझे ये दिखा है कुछ शॉप्स, कितने सारे यहाँ स्टॉल्स लग रहे हैं, पर पहले हम जाएंगे दर्शन के लिए और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या है। बहुत सारी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लेट्स सी। सो गाइस मैंने एंट्री कर ली है यहाँ पे, और यहाँ सिटिंग एरिया भी आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल बनाया हुआ है, और काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं दर्शन के लिए यहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुल है। सामने आप देख सकते हैं हमारे लालबाग के राजा गणपति बाप्पा मोरिया। गाइस आप देख सकते हो सामने हमारे दिल्ली की लालबाग के राजा जी दर्शन कीजिए। आई होप मज़ा आ रहा होगा आप लोगों के मेरे पीछे दर्शन करके पापा के। मेरे भी बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, मैं अच्छे से मत्था टेक लूँ फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ, आगे भी दिखाती हूँ। सो गाइस मुझे VIP एंट्री मिली थी क्योंकि हमारे नोन्स हैं कोई लाइक जानकर, उनकी वजह से मैं VIP एंट्री करके आ गई। अब अंदर जो है पूजा चल रही है और आप पूजा के भी दर्शन कर सकते हो। सीरियस मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको पापा, और कितना सुंदर पंडाल बनाया है। और आप देख सकते हैं सामने पंडित जी हमारे खाना बनाते हैं, मैं भी अपना धागा बनवा लूँ। कौन से हाथ में बनवाना है? विवाह हो गया आपका? नहीं, तो राइट हैंड। गाइस मैं अभी मोली बनवा रही हूँ पंडित जी से। पंडित जी मोली बनवाने का क्या फायदा होता है? बहुत फायदे होते हैं, जैसे इसमें एक मंत्र बोला जाता है, एन बद्धो बली राजा दान बंदो महाबला तेन काम बदनामी रक्षे माचल माचला, आयुष्यकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता कल्याणकर्ता श्री गणपति देवता। इसका मतलब होता है कि जो भी दान दिया जाता है वो गुप्त रूप से देना चाहिए, इसीलिए हाथ में चावल रखवाए जाते हैं और
सौर्य रखवाया जाता है, द्रव्य रखवाया जाता है, गुप्त रूप का दान कहते हैं, गुप्त दान महादान। और इसकी बहुत बड़ी कथा है, राजा बलि का नाम सुना होगा आपने, तो बलि राजा दानियों में सर्वोपरि थे, दानियों में जहाँ नाम आता था तो राजा बलि का ही नाम आता था। तो एक बार राजा बलि को अभिमान हो गया कि मेरे से बड़ा दानी कोई नहीं है, तो भगवान विष्णु स्वयं 52 रूप धारण करके, 52 उंगुल के होकर के, और भगवान से बलि से प्रतीक्षा लेने आए कि हे बलि, कहते हैं कि तुम बड़े दानी हो। बोले महाराज वो तो मैं हूँ। बोले मुझे आपसे कुछ मांगना है, कुछ दान में लेना है। बोले ले हो। बोले क्या लेना है? बोले 3 पग भूमि लेनी है। बोले बस मांगा भी महाराज तो क्या मांगा, बहुत कम मांगा, 3 पग भूमि क्या होती है? उन्होंने तो पांव रखते ही, वो दो एक पैर में नीचे अतल पतल सरातल धरातल तक एक पैर नाप दिया और एक ऊपर तक नाप दिया। बोले अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? फिर उन्होंने अपना सर रखा, राजा बलि ने सर झुका दिया। तब से भगवान प्रसन्न हो गए थे और कहा था कि जो इस कलावोई को मेरा नाम लेकर के, इन बद्धो बलि राजा नाम लेकर के जो बंधवाएगा, उसको परिपूर्ण हर तरह की, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई व्याधा नहीं आएगी, जो कामना से वो बंधवाएगा उसकी वो कामना की सिद्धि हो। बोले गणपति महाराज की बहुत अच्छा लगा, तिलक ये वाला लगा ले। आरती हो रही है, कितने क्लोज दर्शन मिल रहे हैं आप लोगों को। छोटे गणपति और आप देख सकते हो बड़े वाले। गाइस देखो मुझे प्रसाद मिला है यहाँ से, और बड़े भाव से गाइस देखो कितनी लंबी लाइन है, भाव बढ़ता है, बॉटम टाइम पे आ गए और सब भाव बढ़ता है, ठीक है। भाव के साथ स्वभाव और प्रभाव की भी आवश्यकता है, और जब भाव बढ़ता है तो स्वभाव बढ़ता है, ध्यान करिए प्राप्त करते हैं। गाइस मेरे इस तरफ जो है वो एमआरजी केटर्स लगे हुए हैं और इस तरफ जो है वो बच्चों के झूले हैं, तो पहले हम देखते हैं केटर्स की लाइन में क्या है। और काफ़ी सारे स्टॉल्स भी हैं बाहर भी, तो खाने पीने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। शूइंग हैंगरीज भी मिल जाएंगे। और ये कूपन काउंटर है, यहाँ से कूपन लो और अंदर खाओ। मेरे एंट्री करते लेफ्ट हैंड साइड पर दर्ज अनीति शेख, देन वी हैव अ गोलगप्पास विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट, गोलगप्पे 50 रुपीज़, ओके भले पापड़ी, वी हैव आलू टिक्की, मतलब सारे मतलब लाइव स्टॉल्स चल रहे हैं, एंड दिस काठी कबाब, वेज थाली, खाने में यू विल गेट सो मेनी ऑप्शंस हियर, फ्रूट कुलिया। ये क्या बना रहे हो भैया? ओके ये किससे बनता है? सोयाबीन पनीर चाप, शिमला में टमाटर लगता है, प्याज लहसुन भी होता है इसमें, प्याज। ओके गाइस तो ये देखो कितना यम बना रहे हो, और सी वी हैव नाउ पाव भाजी ऑल्सो, और रेट भी बहुत काफ़ी चीप है, ये लाइक 150-200 तक में आपको विल गेट गुड लाइफ फूड। एंड सी इन डेजर्ट वी हैव जलेबी, लाइफ फ्रेश जलेबी, पिज़्ज़ा, बच्चों की तो मस्ती हो जाएगी यहाँ पे। अब मुझे तो लग रही है भूख, विल ऑर्डर समथिंग।
सो गाइज ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, पर हमने ऑर्डर करी है वेज थाली, शाही पनीर जिसमें मटर कोरमा और रोटी और सलाद। लेट्स ईट, शुरू करें। सो गाइज मैंने पापड़ से स्टार्ट कर रहे हो और फिर दाद सी हम। ये भी बहुत बढ़िया, खा के सारे रिव्यूज बताते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ बच्चों की खिलौनों की भी चीज़ें हैं। वी हैव सो मेनी थिंग्स अराउंड एंड सी दिस, अलग अलग धर्मों के मंत्र भी हैं। ये क्या चीज़ है? लाइट है, एलईडी। खाली लाइट ही है ये बस? कितने का है ये लाइट? एंड वी हैव दिस स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे। बाकी अगर यूज करने के बाद भी नहीं है ना, इतना टूटने के बाद ही लगता है। वी हैव दिस नमकीन वाला भैया आल्सो। भैया कहाँ से आप? दिल्ली से मैम। सिर्फ स्टॉल्स में लगाते हो आप? तो मैं चौका मानी दिल्ली द्वारका सेक्टर 7 गुड़गांव मानेश्वर। अच्छा, तो आपका फेमस क्या है, मतलब कुछ टेस्ट कराओगे जो आपका बेस्ट एंड फेमस? ये लाइक डाइट मिक्सचर टाइप ऑफ। और इसके अलावा नहीं 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 और चटपटे में क्या है आपके पास? तो गाइस आप देख सकते हो दे हैव अ बॉक्सेस, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे आपको मिल जाएंगे। सही है, पर ये 9 तक ही है तो जल्दी से आओ एंड ग्राब दिस। बहुत सारी चीज़ें, बंदा बोर नहीं हो सकता गाइस। तो गाइस दिवाली आ रही है और ये हैंगिंग्स भी ले सकते हो आप। एंड ये कोई दूध का स्टॉल लगा हुआ है गाइस यहाँ पर। वी हैव दिस कुल्ला इन सिंगल पीसेस, मिल्क, मक्खन। ये बटर्स में क्या क्या है? ये चिली बटर है, ये गार्लिक बटर है, ये व्हाइट है। करवाना गार्लिक। सो गाइस ये देखो बच्चों की झूले एंड दे हैव लाइक वाटर झूला आल्सो। मिकी माउस, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है इसे देख के। इट्स लाइक लाल बाग के राजा का मेला कब, और ये ऐसा लग रहा है रामलीला में आ गई मैं। गाइस अगर आप लोगों को अंदर नहीं खाना ना, तो आप बाहर की स्टॉल्स लगे हैं यहाँ पे भी आप खा सकते हो। लाइक जिसका बजट नहीं है कि आगे आपको थिएटर्स में नहीं खाना, तो यू कैन हैव देयर। एक डिश है बिहार का व्यंजन लिट्टी चोखा, और ये ऐसे राजस्थान में भी डिश मिलती है जिसे दाल बाटी बोलते हैं, और यहाँ पे लिट्टी चोखा। तो आओ यहाँ पे ये भी ट्राई करो गाइस। मैं तो खा चुकी हूँ खाना, नहीं तो फिर मैं ज़रूर ये ट्राई करती हूँ। कितना रुपये प्लेट है ये? 60 रुपीज़ गाइस, ज़्यादा भी नहीं है, बहुत 60 रुपीज़ में। इसी कितने प्यारे प्यारे बाटी मैंने लिए, ये जामुन कुल्फी खाने के लिए। और ये दे हैव अ डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स, 14 तरीके की कुल्फी बता रहे हैं यहाँ पे। गेम्स भी है बच्चों के। गाइस आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे बहुत सारा प्यार करना। ये छोटा सा ब्लॉग था, अब आगे भी देखो मैं आपको, मैं कोशिश करूँगी मैं अपने रेगुलर लाइफ के ऊपर भी ब्लॉग्स बनाने स्टार्ट करो। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और तब तक ले ओम गंग गणपति नमः, गणपति बापा मोरिया।